वाटर टैक्सी से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब भाव का ढाका स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से वाटर टैक्सी चलेगी। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यानी बीपीटी ने वाटर टैक्सी ऑपरेटर को गेटवे ऑफ इंडिया से बेलापुर तक चलने की अनुमति दे दी है। जल यातायात को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2022 से वाटर टैक्सी की शुरुआत हुई थी। क्रूज टर्मिनल से बेलापुर जेएनपीटी के बीच चल रही टैक्सी को यात्रियों का प्रतिसाद मिला। इसकी वजह से टैक्सी ऑपरेटरों को अपना खर्च तक निकाल पाना मुश्किल हो गया था। कम यात्रियों की वजह से कुछ ऑपरेटर ने रूट पर टैक्सी तक चलानी बंद कर दी थी। यात्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऑपरेटर ने क्रूज टर्मिनल के बजाय गेटवे ऑफ इंडिया से उनका सेवा शुरू करने की अनुमति देने की मांग की थी। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन राजीव जलोटा के मुताबिक वाटर टैक्सी ऑपरेटर को गेटवे ऑफ इंडिया से सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी गई। टैक्सी को केवल गेटवे ऑफ इंडिया से बेलापुर के बीच सेवा शुरू करने की इजाजत दी गई। वाटर टैक्सियों को यात्री कम मिलने के पीछे इसका ज्यादा किराया भी है। वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए केरल गोवा इन राज्यों में सब्सिडी भी दी जाती है। महाराष्ट्र में ये सब्सिडी नहीं है। हालांकि सरकार ने टिकटों के टैक्स में कुछ रियायत दिए जाने का निर्णय लिया। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट।